हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने अडेनियम आप लोगों से शेयर कर रही हूं और दिखाऊंगी कि उनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं अडेनियम के और ये पिंक कलर के अडेनियम हैं। सभी में फ्लावरिंग हो रही है। देखने में प्लांट हमारा काफ़ी हरा भरा हुआ, स्वस्थ बना हुआ है। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। मिट्टी इसकी अच्छी तरह से ड्राई है, आप देख सकते हैं। अडेनियम मैंने ऐसा देखा है कि अडेनियम को पानी पसंद नहीं है, पर मैं तो अगर अडेनियम को पानी ना दूं तो मेरे प्लांट्स कुछ मुझे सूखे से लगते हैं, इसलिए से मैं इन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देती हूं। और ये हमारे टेरेस पे ही रखे हुए हैं तभी इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर कहीं आपने इन्हें शेड में रखा है तो बात दूसरी है, लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखिए कि मिट्टी अगर ड्राई हो जाती है तो आप उसको पानी ज़रूर दीजिए, नहीं तो प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। अभी इनमें पूरे दिन की धूप लगती रहती है और मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, तो मैं इन्हें शाम को पानी दे देती हूँ, यानी एक टाइम पानी इनको ज़रूरी है। इस तरह से अभी आप समर में इनको पानी दीजिए और इनका ग्रोथ पीरियड है, इनमें बड आ रही हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो अडेनियम आपके गार्डन में अच्छी ग्रोथ पे बने रहेंगे। सभी में अच्छी ग्रोथ चल रही है और सभी में फूल आ रहे हैं और फ्लावर का पेटल सिंगल है और सिंगल फ्लावर इसमें आ रहे हैं, सिंगल पेटल के और पिंक कलर के हैं। बहुत ही खूबसूरती से इसमें बडिंग हो रही है। तो आज हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने वाले हैं और मैंने इसको समय समय से आप लोगों से शेयर किया हुआ है। अभी विंटर एंड में मैंने इनकी प्रूनिंग की हुई थी। प्रूनिंग के बाद इसमें नई ब्रांचेस आई हैं और साथ में बड आ रहे हैं, फूल खिलना शुरू हो गए हैं और बहुत ही सुंदर इनके फूल आ रहे हैं। तो अडेनियम में जब फ्लावरिंग आने लगती है तो उसको थोड़ा केयर करते रहिए ताकि आपके गार्डन में अडेनियम अच्छी ग्रोथ पर बने रहें। तो आज मैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए इनको फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ और फर्टिलाइज़र मैं इनको दूंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्या है वो, यही मैं आज बताने वाली हूँ। मैं समय समय से इस फर्टिलाइज़र को अपने अडेनियम में देती रहती हूँ और हमारे अडेनियम अच्छी ग्रोथ पे बने रहते हैं। इन दिनों मैं रोज़ ही किसी न किसी प्लांट को अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, क्योंकि धूप तेज़ हो रही है और इनका एनर्जी लेवल कम हो रहा है और सारे दिन धूप में रहने की वजह से ये काफ़ी सूख से जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, इसलिए से इनको फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। पानी तो देना ही है, पानी इनको आप जिस भी प्लांट को जितना पानी पसंद है उस हिसाब से आप पानी देते रहिए और अच्छी सनलाइट में रखिए। जिस तरह इनको सनलाइट चाहिए आप उसी सनलाइट में रखिए। किनको आधे समय की सनलाइट चाहिए तो उनको आधे समय रखिए और जिनको पूरी सनलाइट में रखना है तो उनको आप पूरी सनलाइट दीजिए। साथ पानी देते रहिए, समय समय से आप फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए तो प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे बना रहेगा। तो बात कर रहे हैं इसकी फर्टिलाइज़र पे और क्या देना है, यही मैं दिखाने वाली हूँ। ये है वो फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया हुआ है और एक बकेट में ये फर्टिलाइज़र के लिए ही रखती हूँ। इसमें मैं रोज़ फर्टिलाइज़र कुछ ना कुछ बनाती हूँ और अपने सभी प्लांट्स को देती रहती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने सभी फलों के छिलकों का फर्टिलाइज़र इसमें बनाया हुआ है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है और इसमें थोड़ी सी मैंने बोन मील डाली है। ये मिक्स फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को आज देने वाली हूँ जो कि प्लांट हैं अडेनियम के। अगर आप इस तरह से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं तो यकीन मानिए आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बना रहेगा। तो एक बार आप ये मिक्स फर्टिलाइज़र देकर देखिए तो तभी आप समझेंगे कि फर्टिलाइज़र आपका कितना अच्छा है। अभी इसमें केले के छिलकों के टुकड़े पड़े हुए हैं। जब भी आप फर्टिलाइज़र प्लांट को दें उससे पहले आप उसको पानी ना दें, मिट्टी ड्राई होनी चाहिए ताकि जब आप फर्टिलाइज़र ऐड करें तो प्लांट आपका अच्छी तरह से इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप चाहते हैं इसको हल्का फुल्का गुड़ाई करके और तब फर्टिलाइज़र ऐड करना तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन अडेनियम में अगर आप गुड़ाई नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट इसी तरह से फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। इस तरह से मैं मिक्स फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देती रहती हूँ और हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। इन दिनों जबकि मई का महीना है और ये काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं तो ये जो मिक्स फर्टिलाइज़र है ये फ्लावरिंग में काफ़ी मदद करता है। तो आप इस मिक्स
फर्टिलाइज़र को ज़रूर दें। मैं देती रहती हूँ और हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।